नमस्कार दोस्तों, मैं विशाली सोनी द फैक्ट टाइम में आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ। फिर से आपको ले चलते हैं एक नई खबर की ओर, डेरा सच्चा सौदा की ओर। जो शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर जो आने वाले पेरेंट्स हैं उनके व्यूज़ जानते हैं, तो जानते हैं लोगों से। जी अब मैम आपका नाम क्या है? नवज्योतिया नेचा। कहाँ से आया मैम? मैं सिरसा से हूँ लोकल। जी कौन सी क्लास में आपकी बच्ची? मैम मेरी एक बच्ची UKG में, अब फर्स्ट में होगी, और एक फोर्थ में, फिफ्थ में होगी। जी कितने टाइम से बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? मैम मेरे प्ले वे से लेके अभी बच्चे रेगुलर यहीं पे पढ़ रहे हैं। जी किस तरह का माहौल है यहाँ का, स्टडीज़ किस तरह की लगती हैं आपको? मैम यहाँ का माहौल देखा जाए ना, लड़कियों के लिए पहले तो सेफ, उसके बाद स्टडी। मैम बच्चों के साथ प्यार से पढ़ाया जाता, बच्चों का फ्रेंडली, एज अ टीचर नहीं पढ़ाया जाता यहाँ पे, और बच्चों का दिल भी बहुत लगता है। मेन बच्चे एक्टिविटी में आगे जा रहा है हमारा। जी रिजल्ट्स कैसे रहते हैं यहाँ के स्कूलों के? मैम 100%। जी आपके बच्चों के रिजल्ट कैसे आए हैं? मैम मेरी बच्ची ने फोर्थ पोजीशन गोट करी है, छोटी वाली ने फर्स्ट गोट करी है। जी टीचर्स का बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट्स को लेकर, किस तरह की शिक्षाएं प्रोवाइड करते हैं टीचर्स? मैम जैसे एक मदर मैं घर पे हूँ ना, वैसे स्कूल में एक मदर की तरह ही बच्चों के साथ बिहेव कराया जाता है, यहाँ पर ट्रीट कराया जाता है बच्चों को। ऐसे नहीं कि एज अ टीचर, एज अ मदर यहाँ पर बच्चों को स्टडी भी करवाई जाती है, फ्रेंकली फ्रेंडली खेला भी जाता है बच्चों के साथ। जी क्या शिक्षा के अलावा कुछ और भी बच्चों को सिखाया जाता है यहाँ पर? जी मैम जैसे इनको फ्री में गेम्स सिखाई जाती है मैम, डांस कंपटीशन। अभी मेरी बेटी को मैंने डांस नहीं सिखाया, लेकिन मेरी बेटी को अभी कोई भी सॉन्ग लगा के दे दो, मेरी बेटी इतना अच्छा डांस करेगी ना, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि कहाँ से सीख के ये। लेकिन फिर बाद में आता कि पिता ये कि स्कूल में पढ़ रही है, ये शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है, पढ़ के मेरा बच्चा बहुत आगे चला गया, आज मेरा बच्चा इतना एक्टिव हो चुका है ना मैम। अगर दो बंदे आ भी जाए ना, इसको कुछ कहेंगे तो पूरा खुद उतर सकती है। जी इनके करेक्टर को बिल्ड करने में स्कूलों का क्या हाथ रहा है, या फिर इनके बिहेवियर को चेंज करने में टीचर्स का कितना योगदान है? मैम 100% करेक्टर के मामले में चले तो 100% बच्चे प्योर हैं यहाँ पे, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इनको सिर्फ एक ही शिक्षा दी जाती है कि आपने सच के राह पे चलना है, ईमानदार रहना है, और कभी भी कहीं पे नहीं देखना आपने, सीधा चलना है। और बाकी एक्टिव, मेनली एक्टिव कहते हैं मैम, लड़कियों को इतना एक्टिव कर दिया ना कि बॉय से कम नहीं है लड़कियाँ। मेरी दो बेटियाँ दोनों ही बॉय की तरह हैं। जी लड़कियों को जैसे कि हम देखा जा सकता है कि लड़कियों को लेकर हम सबसे पहले सुरक्षा मानते हैं, तो यहाँ की सुरक्षा कैसी है? यहाँ पर क्या कुछ टीचर्स के मतलब कुछ मेल टीचर्स भी यहाँ पर हैं, या फिर फीमेल ही यहाँ पर पढ़ाई जाती है, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर टीचर्स के लिए? मैम ओनली फीमेल स्टाफ है यहाँ पर। अगर सुरक्षा की बात करें मैम, यहाँ पे बाहर गार्ड बैठे हैं, हमारा बच्चा विदाउट परमिशन बाहर नहीं जा सकता। अगर स्लिप होएगी, प्रिंसिपल मैम के साइन होएंगे, तो ही बच्चा बाहर जा सकता है। ओनली पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स भी आके बच्चा लेके जाना चाहेंगे ना, तो भी पेरेंट्स के साथ बच्चा तब तक नहीं जाएगा जब तक प्रिंसिपल मैम के साइन नहीं होएंगे। गुरु जी का कितना योगदान रहा है बच्चों को बिल्डअप करने में, उनके करेक्टर को बिल्डअप करने में, या स्कूल की कुछ भी व्यवस्था करने में गुरु जी का कितना योगदान रहा है? मैम 100% गुरु जी का योगदान है। हम पंजाब से मैम स्पेशली बच्चों के लिए यहाँ पे शिफ्ट हैं, बच्चों को शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना है, नहीं तो हम पंजाब में थे, पंजाब में बहुत अच्छे स्कूल हैं, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ यही था कि हमने गुरुजी के स्कूल में पढ़ाना है, यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे मैम, और सीख भी रहे हैं हमारे बच्चे। ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे स्कूलों से स्कूल को अलग कर रही है? मैम सबसे पहले तो स्टाफ, जो कि एज अ मदर, एक तो था एज अ टीचर, एज अ मदर स्टाफ है यहाँ पे, वो हमारे बच्चों के साथ ऐसे रहते हैं जैसे वो खुद के बच्चे के साथ रह रहे हैं। नंबर सेकंड मैम, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है ना मैम, बच्चे आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं आ सकते। अगर बच्चा स्टडी में वीक है ना, तो मैम उसको कोई ना कोई एक्टिविटी में आगे निकाला जाता है, ताकि बच्चा अपने आप में खुद अपनी पहचान बना सके। जी तो समाज को क्या बताना चाहेंगे आप डेरा की संस्था के बारे में, या फिर यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनके बारे में क्या बताएंगे? मैम मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि आप शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल है हमारा, बहुत अच्छे स्कूल है, जो भी अपने स्कूल है डेरे के स्कूल है, यहाँ पे बच्चा एजुकेशन गेट करके ना मैम काफ़ी आगे जा सकता है, और उसकी खुद की पहचान बन सकती है। स्पेशली लड़कियों के लिए सेफ्टी जो पेरेंट्स चाहते हैं वो यहाँ पर मिलती है मैम। नंबर सेकेंड मैम, जो सेफ्टी और बच्चे ने आगे जाना, खुद की पहचान बनानी है ना मैम, वो यहाँ बना सकते। मेरी छोटी बेटी ये है मैम सीरत, मैम इसने फर्स्ट प्राइज जीता अभी, देखो। जी आपका नाम क्या है? सीरत। कौन सी क्लास में आप? UKG। जी आपको यहाँ की स्टडीज़ कैसी लगती हैं, टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं आपको? अच्छी तरह से।
जी, तो हम देख सकते हैं दर्शकों किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं, और लगातार ये जब से प्ले स्कूल से लेकर यहाँ आज इनका बच्चा, कौन सी क्लास में आपका बच्चा? फिफ्थ क्लास में मैम जी। इनको जी इनको 5 साल यहाँ हो गए हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी इन्होंने गलत नहीं देखा है आज तक, पूरी सिक्योरिटी है, पूरी सेफ्टी है यहाँ पर, तभी ये स्कूल जो है दूसरे स्कूलों से अलग माना जा रहा है इनकी नज़रों में। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए द फैक्ट टाइम में। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.